दोस्तों, मुसलमानों के वक्फ के संबंध में देशवासियों के लिए यह संवाद है। मेरा नाम अफजल अमानुल्लाह है और मैं एक रिटायर्ड सरकारी पदाधिकारी हूं। आपका मैं केवल 15-20 मिनट लूंगा और 5 बिंदु बताऊंगा, जिससे आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो हंगामा वक्फ संशोधन बिल के संबंध में हो रहा है वो बिना सर पैर का है। देखिए, हिंदुओं का धार्मिक न्यास, दान और एंडाउमेंट जो होता है उसके लिए अलग अलग राज्यों में एक्ट बने हुए हैं। जैसे तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट हुआ, आंध्र प्रदेश चैरिटेबल एंड हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड एंडाउमेंट एक्ट हुआ, तेलंगाना चैरिटेबल एंड हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड एंडाउमेंट एक्ट हुआ, उड़ीसा हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट हुआ, बिहार हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट हुआ और सिखों के लिए सिख गुरुद्वारा एक्ट हुआ। इसी तरह भाइयों, मुसलमानों के लिए वक्फ एक्ट है, तो हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, मुसलमानों के लिए अलग अलग एक्ट है। और ये अलग अलग एक्ट हिंदू अपना करते हैं, सिख अपना करते हैं, मुसलमान अपना चलाते हैं। हालांकि मुसलमान वक्फ में सारा बोर्ड जो बनता है, सारा काउंसिल बनता है, वो सरकार बनाती है, लेकिन फिर भी उसमें मुसलमान रहते हैं अभी तक। तो जैसे मुसलमानों को हिंदुओं या सिखों के धार्मिक ट्रस्ट एंडाउमेंट से कोई मतलब नहीं है, वैसे ही हिंदुओं को भी मुसलमानों के वक्फ से कोई मतलब होना नहीं चाहिए, है कि नहीं? लेकिन देशवासियों को आपस में लड़ाने और डराने के नाम पर वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है और अभी वक्फ एक्ट में जो संशोधन का जो बिल आया है उसके नाम पर हिंदुओं को बरगलाया जा रहा है। अब आप समझिए वक्फ एक्ट से हिंदुओं का क्या लेना देना है, लेकिन बहुत सारा इसमें भ्रम पैदा किया गया है। उसमें आपको 5 हम बताएंगे अभी, जो आप समझिए। एक बार और पहले बता दें आपको, इस देश में यार 81% हिंदू हैं और 14% मुसलमान हैं, तो फिर हिंदुओं को क्यों डराया जाता है कि मुसलमान कुछ कर देगा? ये सब डराने का है। सबसे पहले देखिए, जो गलत बयानी सरकार की तरफ से हुई है, वो कह रही है सरकार कि वक्फ की प्रॉपर्टी 3rd largest लैंड होल्डिंग है इंडिया में। माने सारे वक्फ, हिंदुस्तान में जितना वक्फ है, 32 वक्फ बोर्ड के अंदर में ये आता है, तो सारे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में वक्फ में इतनी जमीन है जो 3rd largest है, 3rd largest लैंड का चंक है। 9.4 लाख सरकार एस्टिमेट करती है, जो कि सरकार के प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक अफेयर्स एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन साहब ने बताया है। अभी कहां से 9 लाख का फिगर लाया है ये पता नहीं है, 9 लाख एकड़ का, उन्होंने कोई सोर्स भी नहीं दिया, लेकिन बोलते हैं कि अपना दिमाग से निकाल दिया 9 लाख एकड़, और कहते हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री और रेवेन्यू मिनिस्ट्री के बाद ये 3rd largest लैंड होल्डिंग है। अब सच्चर कमेटी जो बनी थी मुसलमानों के लिए, वो 6 लाख उसने कहा था, एकड़ एस्टिमेट किया था 32 वक्फ बोर्ड के पास सारे हिंदुस्तान में। तो खैर, 9 लाख हो जो सरकार बोली या 6 लाख हो जो सच्चर कमेटी बोली, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम आपको सिर्फ ये बताएं कि झूठ कहां बोला जा रहा है कि डिफेंस और रेलवे के बाद से सबसे बड़ा जमीन का चंक मुसलमानों के वक्फ में है। झूठ इसलिए पकड़ा जाता है कि सिर्फ 3 राज्यों का हम आपको बताते हैं। तमिलनाडु में हिंदुओं के ट्रस्ट का 4,78,000 एकड़ है, आंध्र प्रदेश में 4,65,000 एकड़ है, तिरुपति का जो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में 7,000 एकड़ है, और तेलंगाना का 87,235 एकड़ है। कुल मिलाकर के केवल 3 राज्य हिंदुस्तान के 10,37,358 एकड़ है उसमें। और यहां पर वक्फ का बोल रहे हैं, सरकार बोली 9 लाख और सच्चर कमेटी बोलती 6 लाख, 9 लाख भी मानिए तो ये 3rd largest कैसे है, जबकि हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट में 3 ही स्टेट में 10 लाख से ज्यादा एकड़ है कि नहीं? तो ये सरासर सरकार ने झूठ बोला है, और झूठ बोल करके बरगलारी के इतना सारा लैंड पड़ा हुआ है लोग के पास नहीं। अच्छा, दूसरा, ये मुसलमानों की अपनी जमीन है, अपने लोगों ने दिया है, खैर भूल जाइए। दूसरा, आप देखिए कि जब ये बिल पेश किया गया पार्लियामेंट में, तो हमारे मंत्री जी जो है अल्पसंख्यक कल्याण के, उन्होंने कहा कि हम इसमें बिल में औरतों को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अब उनका झूठ उन्हीं किससे पकड़ा जाता है? उन्होंने लिख करके और ये ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में दिया है कि हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम वुमेन हो, जेंडर ये हो,
तो एक्ट को अगर आप देखिएगा, ये एक्ट है, एक्ट ही में 10 साल से ऑलरेडी 2 मुस्लिम विमेन का प्रावधान है और मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं कि इस बिल में वो नया प्रोविजन कर रहे हैं। अच्छा, इस एक्ट में जो लिखा हुआ है वो है कि कम से कम 2 औरतें रहेंगी, मुस्लिम औरतें, और ये जो ला रहे हैं वो केवल 2 कह रहे हैं। तो अभी जो एक्ट में है कम से कम 2, माने 2 से ज्यादा भी सरकार ला सकती है, और ये जो अभी बिल ला रहे हैं वो केवल 2 पर कर रहे हैं। तो ये उल्टा ही हो गया ना, कि ये विमेन के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। और झूठ बोले मंत्री जी, क्यों झूठ बोले भाई पार्लियामेंट में, जब ये बिल में औरतों का है, आप कह रहे हैं कि हम औरतों का प्रोविजन अभी कर रहे हैं, ऑलरेडी ऑलरेडी आपके एक्ट में है 10 साल से 2 विमेन का, सेक्शन 9 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल और सेक्शन 14 में वक्फ बोर्ड में एटलीस्ट 2 मुस्लिम मेंबर्स शैल बी विमेन, ये प्रावधान है। तो मंत्री जी को या तो मंत्री जी माफी मांगे, क्षमा मांगे पूरे देश से और पार्लियामेंट से कि हमने गलत बोला है, और नहीं तो प्रिविलेज करें, एमपी लोग प्रिविलेज करें। तीसरा झूठ आप लोगों के सामने रखा गया है कि वक्फ बोर्ड जो है वो जमीन को ग्रैब कर रहा है, जमीन सबको ग्रैब कर रहा है, हड़प रहा है जमीन सबको, और वो कोई भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके हड़प कर लेगा और कोई अपील नहीं है। अब देखिए झूठ कितना है। सबसे पहले कि सर्वे होता है वक्फ प्रॉपर्टी का, सर्वे कमिश्नर सरकार का होता है, सरकारी पदाधिकारी होता है, सरकार उसको तनख्वाह देती है और वो नियम के अनुसार से सर्वे करता है। अगर वक्फ बोर्ड इंक्वायरी करता है कोई प्रॉपर्टी का कि हम वक्फ है कि नहीं, तो उसका भी नियम सरकार ने बनाया है, नोटिस होता है, सब कुछ होता है, उसमें जांच होती है, सब कुछ होती है। अगर वक्फ बोर्ड के फाइंडिंग से या आदेश से कोई आदमी को दिक्कत है तो वो ट्रिब्यूनल में अपील करता है। ट्रिब्यूनल में भी कौन है, जैसे वक्फ बोर्ड में सारे लोग सरकार भर्ती है उसमें, वैसे ही ट्रिब्यूनल में जज साहब हैं और 2 मेंबर्स हैं, वो भी सरकार भर्ती है उन लोगों को, तो ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। अगर ट्रिब्यूनल के अपील से वो ये है तो हाईकोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो ये कैसे कहा जा रहा है कि लैंड ग्रैब हो रहा है, कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर कर सकता है और कोई अपील नहीं होता है, ये एकदम झूठी बात। और ये एडवाइजरी काउंसिल जो है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो पीएम की है, उसके चेयरमैन साहब ने सरासर झूठ आप लोगों के सामने रखा है, सरकार के सामने रखा है। पता नहीं चमचागिरी की क्या हद है इनकी, हद है चमचागिरी की, कि झूठ रख करके और खुलेआम झूठ बोला जा रहा है इस बिल के संबंध में। चौथी बात आपको बताएं हम कि कह रहे हैं कि हम लोग जो रिफॉर्म ला रहे हैं इस अमेंडमेंट के बिल से, वो लैंड माफिया को जो कंट्रोल करता है वक्फ को, वो लैंड माफिया को से निजात दिलाने के लिए, लैंड माफिया से मुक्ति दिलाने के लिए। लेकिन उनका झूठ फिर पकड़ा गया। इसी बिल में वो जो एक प्रोविजन है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट का, कि जो कोई ये गड़बड़ करता है तो उसको कैद बामुशक्कत हो, तो अभी बिल में उन्होंने क्या किया है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, माने मामूली कैद का कर दिया है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हटा रहे हैं। क्यों भाई? फिर एक जगह प्रोविजन है इम्प्रिजनमेंट विद फाइन, माने जेल के साथ साथ फाइन भी होगा, इन्होंने जेल को हटा दिया, खाली फाइन रख दिया है। अब आप बताइए ये लैंड माफिया को कंट्रोल कर रहे हैं या छूट दे रहे हैं। और तीसरा सबसे बड़ा बात है कि उन्होंने वक्फ प्रॉपर्टीज पर अभी तक जो एक्ट है लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता था, कि जैसे 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल से भी कोई हड़प लिया है और वो प्रूव हो जाता है कि वो वक्फ प्रॉपर्टी है तो वो वक्फ प्रॉपर्टी वापस लिया जा सकता है अभी तक। लेकिन सरकार क्या कर रही है, सरकार लिमिटेशन एक्ट को लागू कर रही है, माने 10 साल 12 साल जो भी उसका पीरियड होगा उसके बाद से आप प्रॉपर्टी नहीं अपनी वापस ले सकते हैं, जबरन उसका हो गया। तो आप माफिया को तो आप प्रोत्साहन दे रहे हैं ना, सरकार प्रोत्साहन दे रही है माफिया को कि जहां जहां हड़पे हो मस्त रहो, अब तुमको तुमसे कोई नहीं छीनने वाला है। और पांचवी बात जो सबसे मजेदार है, जो आप लोग सबको बहुत मजा आएगा सुनने में, वो ये है कि इन लोगों ने, सरकार ने कहा है कि हम बोहरा और आगा खानी के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनाएंगे। अब बोहरा और आगा खानियों को शिया बोर्ड में आते हैं हम लोग, शिया माने जाते हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड है, तो भाई अलग अलग आप क्यों कर रहे हैं।
और इसका कोई तर्क नहीं दिया है सरकार ने और मुसलमानों को डिवाइड करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो हमने इसको स्टडी किया है वो ये पाया है कि ये जो इसका असल कारण ये है कि जो हमारे सबसे हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी है मुकेश अंबानी और दुनिया के शायद दूसरे या तीसरे अमीर आदमी दुनिया के, उन्होंने अपना घर बनाया है बंबई में। अब वो घर भी लोग कहते हैं कि वो सबसे महंगा प्राइवेट घर है सारे विश्व में, सारे दुनिया में सबसे महंगा प्राइवेट घर बना है। अब वो घर बना है आगा खान वफ प्रॉपर्टी के ऊपर, समझा? तो एक तो आगा खान वाला वक्फ अलग कर रहे हैं और लिमिटेशन एक्ट आप सरकार खत्म कर रही है ताकि मुकेश अंबानी साहब का घर अब वापस नहीं लिया जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है, मामला कोर्ट में चल रहा है, तो उसको खत्म करने का पूरा हिसाब किताब कर लिया गया है। तो अंबानी साहब वही अंबानी साहब हैं जो 4,000 करोड़ लोग बोलता है बेटा की शादी में किए थे, अगर इसमें से 2,000 करोड़ भी गरीबों को देते तो हर गरीब को 1-2 लाख रुपया मिल जाता। 4,000 करोड़ बेटा की शादी में, पुण्य भी लोग देता, लोग दुआ देता बेटा बहू को, नहीं, पैसा है जबरदस्ती करना है, लुटाना भी है और लूटना भी है और सरकार उसमें उनको हेल्प कर रही है। अब आप ही सोचिए कि आपको बरगलाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, जबकि हिंदुओं को कोई मतलब नहीं है वक्फ से, जैसे मुसलमानों को कोई मतलब नहीं है हिंदू ट्रस्ट से, जिससे हर तरह का झूठ बोला जा रहा है और खुलेआम डंके की चोट पर झूठ बोला जा रहा है, लिख के झूठ बोला जा रहा है, पार्लियामेंट में झूठ बोला जा रहा है। इस पर सोचिए, विचार करिए और कुछ नहीं आपको करना है। हिंदू भाई बहनों को तो वक्फ एक्ट में होना है पास, नहीं होना है पास, आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए। आप क्यों कहने की वक्फ अच्छा अच्छा, आपको क्या मतलब ही नहीं, आपको कोई, तो ये क्यों ऐसा किया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है आपको, सोचिए। जय हिंद, समाप्त।